हेलो, आज का क्वेश्चन आया है सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम। हम इसी दो पे बात करेंगे और दो नेक्स्ट वीक बात करेंगे। सफ़ेद मूसली, जिसको उर्दू या हिंदी में इसको वाइट गोल्ड भी कॉल करते हैं, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं क्लोरोफेटम बोरी विलियम। ये जो फैमिली है, इसके अंदर अबाउट मोर देन 300 टाइप के प्लांट्स हैं, पौधे हैं। मगर हम बात करें सफ़ेद मूसली, और सफ़ेद मूसली एक्चुअली इसको लॉन्ग टाइम बिफोर यूज़ किया जा रहा है, मैनी सेंचुरी बिफोर, 400,000 ईयर्स बिफोर इसको यूज़ किया जा रहा है। और इसके एविडेंस हमें मिलते हैं आयुर्वेदा के अंदर, और टिल टूडे इसको यूज़ किया जा रहा है आयुर्वेदा के अंदर, कामासूत्रा के अंदर, और इसके अलावा श्रीमद् भागवत में इसके बारे में लिखा गया है। और इसके कई बेनिफिट हैं, हेल्थ बेनिफिट हैं। एक्चुअली इसके बारे में मुझे खुद इतना नहीं मालूम, क्योंकि ये मोस्टली आ जाता है नेचुरल मेडिसिन के बीच में, और जो यूरोप के अंदर इसको इतना जानते नहीं है। फिर मैंने इस पर जो स्टडी की है, मैं अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन के मुताबिक इसको जवाब करूँगा। और इसको आप मेल फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके रियली काफ़ी अच्छे बेनिफिट हैं। इवन आई ऑलवेज डोंट नो अबाउट दैट, अगर आपको इसको प्योर मिले, क्योंकि जो इसकी ग्रोथ है काफ़ी लेस है, और मार्केट के अंदर इसको काफ़ी इसकी डिमांड है। जब डिमांड हाई होगी और ग्रोथ कम होगी, तो फिर आपको प्योर मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर मिक्सचर मिलता है। क्योंकि इसके मिलते जुलते जो सफ़ेद मूसी की तरह डिफरेंट जो पौधे या और इसकी डिफरेंट फैमिली को मिक्स करके आप लेते हैं, उसका इतना बेनिफिट नहीं आपको होता। ये पाउडर फॉर्म में आता है, कैप्सूल, टेबलेट, डिफरेंट फॉर्म में आता है। और अकॉर्डिंग इसको कैसे यूज़ करना होता है, इसको अबाउट टिल 2 to 3 months आप इसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग आपके नीड। तब आप इसको स्टॉप करना होगा, क्योंकि आप ऑल टाइम जो चीज़ कंटिन्यू यूज़ करते हैं, ये या कोई भी मेडिसिन हो गई, तो आपकी बॉडी यूज़ तो जाती है, फिर उस पर इतना रैक नहीं करता। तो इसलिए हमेशा मैं रिकमेंड ये करता हूँ, आप कोई भी कॉस्मेटिक या मेडिसिन कुछ भी यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्स, आप उसको स्टॉप किया करें कुछ टाइम के लिए, फिर से यूज़ किया करें, कि आपकी बॉडी उसको दोबारा से उसके बेनिफिट ले सके। दोबारा अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, सफ़ेद मूसली। फर्स्ट ऑल, ये आपको हेल्प करता है अगेंस्ट इन्फ्लामेशन के। आपके बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन हो, कोई ऐसा स्वेलिंग हो, या आपको कोई इंजरी हो, उसको हीलिंग करने में काफ़ी फास्ट हेल्प आपको मदद करता है। और इसके अलावा ये आपका इम्यून सिस्टम बिल्ड करता है, और इम्यून सिस्टम जब बिल्ड होगा, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद ही हर चीज़ के अगेंस्ट फाइट करती है। और इसके अलावा आपका मेटाबॉलिक एक्टिव करता है। जब मेटाबॉलिक एक्टिव होगा, अगर आप फैटी हो, तो आपका वेट लूज़ होगा। यह आपको हेल्प करता है अगेंस्ट लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो आपके बॉडी के अंदर आपके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल हाई होता है, उसको मैनेज करता है, लेवल पे लेकर आता है। इसके अलावा आपकी स्लीप को प्रमोट करता है, अगर आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम हो, तो आपको हेल्प करता है स्लीप आए, प्रॉपर रिलैक्स करता है आपकी बॉडी को। और ये भी हेल्प करता है आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन, आपका जो भी हो, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके इतने एविडेंस नहीं मिलते, इसके बारे में लिखा गया है कि ये आपको हेल्प करता है, मगर कितना हेल्प करेगा अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। और प्रीमैच्योर एजुकेशन का भी हेल्प करता है, मेल फीमेल दोनों के लपीडो, उनके सेक्स विशेष बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, और मेल के स्पर्म्स का काउंट बढ़ता है, और स्पर्म्स के अंदर जो अगर पस है लो लाइक उसके लिए भी हेल्प करता है। आपकी मोर्टेलिटी को भी इम्प्रूव करता है, फर्टेलिटी को भी इम्प्रूव करता है। और फीमेल के लिए, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग माम हो, तो उनका जो ग्लैंड जो मिल्क प्रोडक्शन होती है, उनमें इजाफा करता है। इवन ये एनिमल्स पे भी, काऊ को भी दिया गया, भैंसों को, काऊ को, कि जिन जिन को काऊ को दिया गया, जानवर्स को दिया गया, एनिमल्स को, उनकी दूध की ग्रोथ में इजाफा हुआ है। तो ये सिंपली इस पे एविडेंस मिलते हैं कि ये हेल्प करता है इस चीज़ पे, और फाइट करता है कैंसर के, उसको में भी क्योर नहीं कर पाएगा, मगर उसको स्टॉप कर पाएगा, ज़्यादा ग्रोथ ना हो। अगर आपको कीमियोथेरेपी हो, उसके लिए आपको हेल्प करता है कि आपके जो सिम्टम्स होते हैं, उसके सिम्टम्स कम करें। और अगर आपको कैंसर नहीं है, प्रिवेंट करता है। जब आपको इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है, तो आपकी बॉडी कैंसर फाइट करती है वायरस बैक्टीरिया के। तो जब आपको अगर नहीं है, तो प्रिवेंट करेगा आपको कोई भी ऐसी क्रोनिक डिजीज से। हेल्प करता है अगेंस्ट कोलेस्ट्रॉल के। जब कोलेस्ट्रॉल को आप मैनेज करेंगे, तो आपकी बॉडी के सब ऑर्गन नॉर्मल काम करेंगे, लाइक लीवर, हार्ट या किडनी वगैरह, उनका फंक्शन प्रॉपर होगा। और एक आप जनरल अपने आप को एक एनर्जेटिक फील करते हैं जब आप यूज़ करते हैं। इस इम्पोर्टेंट के प्योर होना चाहिए, ये मिक्स होगा तो आपको उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, और प्योर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको, क्योंकि
आजकल की जो मार्केट्स होती हैं मोस्टली वो मनी माइंड होते हैं, तो इसके अंदर कई चीज़ें मिक्स करके वो आपको देंगे। अगर हाँ, अगर आपको कहीं प्योर मिले तो देन इज़ वेरी गुड। और इसके अलावा ये आपको हेल्प करता है कि डायबिटीज, जैसे मैंने बोला, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, आपकी शुगर को मैनेज करता है, तो डायबिटीज़ को भी आपको मैनेज करेगा। और आपको हड्डियों के दर्द, जो ऑथराइटिस होती है, उसकी हेल्प करता है। अगर आपके जो कार्टिलेज होते हैं, जेल होती है आपके बोन्स के, उनकी कमी को, उनकी लुब्रिकेशन ज़्यादा करता है, तो आपको कार्टिलेज के आपके दोबारा डेवलप हो वापस, उस चीज़ के लिए आपको हेल्प करता है। और ये लाइक एक एंटी एज, आप इसको एंटी एजिंग का काम करता है। इसके इसमें कॉस्मेटिक भी आ रही हैं, पाउडर फॉर्म में भी इसको आप यूज़ करते हैं, लाइक फेस मास्क यूज़ करते हैं, बीच में हनी डाल के अपने फेस अप्लाई कीजिए, आपके फेस को ग्लो होगा। इसका ये भी आपको हेल्प कर सकता है। और इसको आप यूज़ करें 2 से 3 माह तक, और तब इसको स्टॉप करना पड़ेगा। लॉन्ग इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, तब आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगी। ये था सफ़ेद मूसली का फंक्शन। और अभी बात करते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस रिलीज हर्ब, इसको भी कामासूत्रा में इसको, इसके भी एविडेंस मिलते हैं कि इसके बारे में लिखा गया कि इसको लेने से आपके कितने बेनिफिट होते हैं। इसको हम इंडियन जिन से भी कॉल करते हैं। और इसका क्या बेनिफिट होते हैं, अब फर्स्ट ऑल आपको रिलैक्स करता है, आपके जो जो हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन जिसको कॉर्टिसोल, उसके लेवल को मैनेज करता है, आपकी लपीदो बढ़ाता है, आपके अंदर एनर्जेटिक, आपको एनर्जी देता है, और एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को साफ़ करता है आपकी बॉडी से, और स्पर्म्स का काउंट बढ़ेगा और आपके विशेस बढ़ेंगी, मेल फीमेल दोनों के लिए ये हेल्प करता है। और मीन अश्वगंधा एक आपको जनरल बूस्ट करता है, अगर आप ये दोनों यूज़ करते हैं आपको उसका बेनिफिट होगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है मोस्टली मिलता है इसका। हाँ, इसको भी आपको 2 से 3 माह तक यूज़ करना है, इसको लॉन्ग आप यूज़ नहीं कर सकते, मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और सफ़ेद मूसली जिन लोगों को ट्रबल हो एलर्जी का, या कोई कफिंग का, या आप प्लानिंग करो प्रेगनेंसी के लिए, तब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वो आपको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अपार्ट दैट टोटली सेफ है, और अपार्ट 2022 आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप ये अश्वगंधा आपके कहीं ना कहीं ये भी आपको हेल्प करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करता है। और ये आप यूज़ करता पता चलेगा, लाइक इसका मेडिकल एविडेंस इस पर तो मैं बात नहीं कर सकता है कि नहीं है, नॉर्मल जनरल हर्बल मेडिसिन के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा इसको आप हर्बल मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है, और इवन मॉडर्न वर्ल्ड इसको यूज़ कर रहा है अश्वगंधा को, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और दो आपके जो कमेंट्स आए हैं, दो इसके हम नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। होप समथिंग आपको हेल्प करेगा ये मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।